दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आंकड़े का पौधा आप लोग सभी जानते होंगे। आंकड़े का जो पौधा होता है, इसके पुष्प जो होते हैं हनुमान जी को, शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों आंकड़े की जो जड़ होती है, इसका तंत्र विद्याओं में भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और खास करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसकी जड़ का, इसके पत्ते का, इसका फूल ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा वर्णन है। दोस्तों आज मैं आपको आपके सूर्य को मजबूत करने का, सूर्य जिसके मजबूत होते हैं तो उसकी जिंदगी में धन संपदा ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं आती है, सभी ग्रह बैलेंस रहते हैं। तो एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों कुछ ही दिनों में आपकी यदि धन संबंधित परेशानी है या आर्थिक तंगी का आप सामना कर रहे हैं तो ये परिस्थिति आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों कुछ और भी प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूं। रवि पुष्य नक्षत्र जो होता है, आप गूगल सर्च कर लें। जब भी रवि पुष्य नक्षत्र आता है तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आप कहीं पर यह देखें पहले कि सफेद आंकड़ा जो होता है इसकी जड़ आप लेकर के आ जाए। रवि पुष्य नक्षत्र में जिस दिन रविवार पड़ेगा उसी दिन पुष्य नक्षत्र हो, उसमें उस दिन आपको क्या करना है, जो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, तो आप एक दिन, जैसे कि आप रविवार के दिन जा रहे हैं तो एक दिन पहले आप आंकड़े के वृक्ष को आमंत्रण देकर के आए, हल्दी चावल ले जाए, थोड़ा सा जल दूध और साथ में एक दिया ले जाए, और वहां पर जाकर विनती करें कि हे वृक्षराज, मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु, धन संबंधित परेशानी दूर करने हेतु आपको निमंत्रण देने आया हूं, कल मैं आपको आकर के आपकी जड़ लेकर के जाऊंगा, यह निमंत्रण दे दें। उसके बाद में जब रवि पुष्य नक्षत्र आएगा तो उस दिन जाए और फिर से उनसे प्रार्थना करके कि अपनी पूर्ण ऊर्जा आशीर्वाद के साथ में अपनी जड़ का थोड़ा सा हिस्सा मुझे प्रदान करिए, और उस जड़ को लेकर के घर आ जाए, इसकी धूप बत्ती कर दें, पूजा पाठ कर लें, घी का दिया जला दें, हल्दी तिलक कर दें, और एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में इसको लपेट करके अपने घर की जो मेन चौखट होती है ऊपर बाहर साइड में इसको बांध दें, या फिर आपका व्यापार वगैरह में गल्ला है वहां रख दें, और या फिर अपनी तिजोरी में रखें और नित्य प्रति इसकी धूप बत्ती करते रहें। दोस्तों आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की कैसे कृपा आपके ऊपर बरसती है। यह प्रयोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सफेद आंकड़ा जो होता है ये धन को खींचने का काम करता है। ये तो हो गया दोस्तों पहला प्रयोग। अब दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आपको हर रविवार के दिन में सूर्य भगवान को जो है अर्ध देना है। किस तरीके से देना है? तांबे के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी शहद, एक लाल पुष्प और साथ में गुलाब का इत्र और एक लाल मौली छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू करिए, और उसके साथ में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी घी और साथ में काली और सफेद तिल, इनका थोड़ा 5 आहुति के बराबर इतना आपको क्या करना है, थोड़ा सा हवन टाइप से आपको बना लेना है। ठीक है, अब गाय के गोबर का जो कंडा होता है इसमें सिर्फ 5 आहुति इस मंत्र के द्वारा, ओम हिरण्य गर्भाय नमः स्वाहा, 212 नामों में से सूर्य भगवान का जो सबसे ज्यादा पावरफुल नाम है वो है ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ऋग्वेद में इसका वर्णन है। इस मंत्रों के द्वारा आप चाहे तो डेली आहुति दें और चाहे तो रविवार के रविवार अगर आप आहुति देते हैं तो आपकी धन संबंधित परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, कुछ ही दिनों में इसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। दोस्तों प्रयोग बहुत ही पावरफुल है। अब एक लास्ट जो सबसे बड़ा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको आंकड़े के पौधे में आप चाहे तो डेली भी कर सकते हैं। और दोस्तों जब हवन करेंगे आपको तो एक चीज का आपको और याद रखना है, रविवार के दिन में जल अर्पित करते हैं और आप यदि होम लगा रहे हैं तो 5 बाती का दिया जरूर अर्पित करें सूर्य भगवान को, 5 बाती का दिया अर्पित करें, पूर्व मुखी होकर के ही करें। सूर्य भगवान आपके यहां कोई सी भी दिशा से निकल रहे हैं लेकिन आपको पूर्व मुख होकर के इस प्रयोग को करना है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपको ऐसा लगता है किसी को जरूरत है तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको करना क्या है, रविवार के दिन में थोड़ा सा आप किसी पात्र में तांबे का पात्र लेंगे तो बेस्ट है, तांबे के पात्र में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी शहद,
ये डाल दें, उसके बाद में इसमें जल डालें। पहले आपको गुड़ डालना है, फिर शहद डालनी है, उसके बाद में जल डालना है, ठीक है। मतलब कि थोड़ी देर इसको रखे रहने दें, ये इसमें घुल जाए, जो जल होगा वो मीठा हो जाए। अब इस मीठे जल को आपको क्या करना है, लेकर के कोई भी आंकड़े का जो पौधा होगा, आंकड़े का कोई वृक्ष होगा, अगर पुराना वृक्ष है तो और भी अच्छा है, सफेद आंकड़ा मिल जाता है दोस्तों तो सोने पे सुहागा, लेकिन सफेद आंकड़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, तो कोई से भी आंकड़ा जो होगा आपका पौधा होगा उसके पास में इस जल को लेकर के जाए, और उसकी जड़ में आपको जल चढ़ाना है, उत्तर मुख होकर के या पूर्व मुख होकर के, वृक्ष कहीं भी लगा हो लेकिन आपको उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व यानी कि ईशान, इन तीनों डायरेक्शन में होकर के आपको जल चढ़ाना है, और साथ में 5 दीपक का एक दिया जलाना है। और यदि ये भी नहीं कर पा रहे हैं, जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, दीपक नहीं जला पा रहे हैं, तो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लें, उसमें थोड़ी सी शहद डालें और ये टुकड़ा वहां पर ले जाकर के रखा है। रविवार के रविवार इस प्रयोग को कर सकते हैं, या आप अगर डेली कर सकते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों ये प्रयोग कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि धन संबंधित परेशानी जो होगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मतलब कि आपके सूर्य मजबूत होंगे, मंगल मजबूत होंगे, साथ में हनुमान जी और शंकर भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, ग्रह आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, धन के योग बनना शुरू हो जाएंगे, जो घर घर में धन की बरकत नहीं थी वो होना शुरू हो जाएगी, नौकरी खुद सामने चलकर आपके पास में आएगी। दोस्तों ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना कर्म के पैसा आएगा, पैसा आएगा, आपको ऐसे साधन मिलना शुरू हो जाएंगे, नौकरी मिलेगी, व्यापार चलेगा, सैलरी इंक्रीज होगी। धन के योग बनने का मतलब दोस्तों ये होता है, रेमेडी करने से पैसे उड़ के नहीं आते हैं, पैसे आने के साधन प्राप्त हो जाते हैं, और आपको ज्यादा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आपकी मेहनत से ज्यादा आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जहां से 100 रुपए मिल रहा है वहां से 1000 रुपए मिलेगा, ये होता है रेमेडी करने का मतलब। तो पूरी श्रद्धा विश्वास से इस प्रयोग को करिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।